चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश में, टेंस में। तो जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को देख चुका, उसी प्रकार फ्यूचर को देखेंगे। प्रेजेंट को देख लिया, पास्ट को देख लिया, और फ्यूचर को देखते हैं। तो फ्यूचर में ये सारे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सर मैं टेंस को खाना शुरू कर दी, क्योंकि अरे भाई ये सारे जो एग्जाम लिखे हुए ना, पटवारी, फॉरेस्ट, टीचर, जेल प्रहरी, ग्रुप टू, केवीएस, पीजीटी, सब में ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कौन सा टेंस का भी है। तो आएगा ग्रामेटिकल है, इंग्लिश का पोर्शन है। जो घबरा रहे हो, घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। पर आपको देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप थोड़ा स्किप करके और कभी कभार देखोगे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैंने शुरू में बता दिया था, जो टेंस होता है वो कन्फ्यूजेबल होता है। तो ये जो हो गया, तो आज तो है मेरा वीडियो द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे है। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे है, साधारण भविष्यकाल, ठीक है ना, साधारण भविष्यकाल है। तो इसका हम रूल्स देखते हैं, थोड़ा सा रूल देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू गिव एक्सप्रेशन टू एक्शन इन द टाइम ऑफ कम। मतलब फ्यूचर जो टेंस है ना, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इज यूज टू गिव एक्सप्रेशन टू एक्शन इन द टाइम। मतलब फ्यूचर आने वाले समय में जो 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 काम होने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। हिंदी में देखते हैं, भविष्य में आने वाले समय में कार्यों को व्यक्त करने के लिए अनिश्चयवाचक या साधारण भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। मतलब तो उसमें साधारण जो आ रहा है, क्या कर रहा है, भविष्य में आने वाले समय में कार्यों को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जो अनिश्चयवाचक या साधारण भविष्य काल, अनिश्चय मतलब हो रहा है, कोई बात भी नहीं हुआ, परंतु फिर भी इसकी 90% श्योरिटी होती है कि काम होगा, तो ठीक है बताने के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे हम मुंबई जाएंगे, मतलब फिक्स है कि मैं मुंबई जाएंगे भी, तो परंतु हो सकता है किसी कारणवश नहीं गया, वो अलग हो गया, हमने श्योर कर दी है मुंबई की, हमने फ्लाइट की टिकट ले लिया है या ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया, हम जाएंगे जाएंगे, किसी वजह से नहीं गए, वो अलग बात होगी, ठीक है। तो क्या कहा, हम मुंबई जाएंगे, इसमें क्या है, बी सेल, जो अभी इसके बाद सेंटेंस बनाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि बी सेल गो टू मुंबई, तो विल और सेल यूज होता है दोस्तों। तो विल किसमें होता है और सेल किसमें होता है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो वी सेल गो टू मुंबई, अब वह आज एक कार खरीदेगा, हम बाद में तक बता सकते, कल खरीदेगा, परसों खरीदेगा, फ्यूचर में होगा, मैंने बना दिया। वह आज एक कार खरीदेगा, तो ही विल बाय और कार टुडे। तो इस प्रकार आपने देखा, हम इसके इसको देखा, अब हम इसके सेंटेंस बना बनाएंगे दोस्तों। तो देखेंगे इसके बाद सेंटेंस को, ठीक है ना, तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको नियम बता दिया, हम देखते हैं इसके एक एग्जांपल में। जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, यू, दे, विल और आई विल के साथ। तो मॉडल एज में जैसे मैंने आपको बताया, ही और विल, सॉरी विल और सेल दोनों है कॉमन, सबके साथ है। यदि आपने सॉरी विल सबके साथ कॉमन है, यदि आई और बी के साथ हमने सेल नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, विल लगा दी तो गलत नहीं होगा, फिर भी रिटर्न में होना चाहिए, आई सेल बी सेल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, वह विद्यालय जाएगा, तो क्या बना, वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, यहाँ पे ही के साथ ये भी है, हमने फिर लगा दिया, ही विल गो टू स्कूल सब्जेक्ट, और ये मैंने लिख दिया हूँ ऑलरेडी, आप देखें इसे। तो ही विल गो टू स्कूल मतलब ही के साथ विल लगा है, सेल नहीं लगेगा। तो आप देखिए, वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ही क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड इसमें है नहीं। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते, फिर अदर वर्ड भी आ जाएगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव सकारात्मक। अब नेगेटिव हम देखते हैं, वह विद्यालय नहीं जाएगा, मतलब ये विद्यालय नहीं जाएगा, तो नॉट लगाना, केवल हमको नॉट लगाना। अब नॉट कहाँ लगाना है पता होना चाहिए, इधर लगाना है या इधर लगाना है पता नहीं, इस इधर लगाना है कि यहाँ लगाना है, बहुत सारे लोगों को पता ही, जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम लगाएंगे कहाँ से। इसीलिए वीडियो को पूरा देखकर ध्यान से देखकर हमें पता चल जाएगा, एक बार देखना पड़े दोस्तों,
एक बार देखेंगे आपका एक नंबर वैसे पक्का हो जाएगा। तो ही विल के बगल में लगाना, विल नॉट, ही विल नॉट, इधर से नहीं, यहां लगाना, नॉट गो टू स्कूल। बहुत इजी है, बहुत सरल है, टेंस कोई कठिन है ही नहीं। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, इसका फॉर्मूला देखें, ही सब्जेक्ट प्लस विल नॉट ऑब्लिक शैल नॉट प्लस गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू स्कूल ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया नेगेटिव नकारात्मक। अब हम इंटरगेटिव क्वेश्चन प्रश्नात्मक को देखेंगे। इसी से हम क्वेश्चन का नाम तो क्या हिंदी में देखें पहले, क्या वह विद्यालय जाएगा, ये हो गया क्या लगा क्या। तो क्या के लिए वाट बिल्कुल नहीं लगा, वाट एचएपी वाट मतलब क्या, तो ये बिल्कुल नहीं लगा था, इसे नहीं लगा था, हमें हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाना है। विल विल ही गो टू स्कूल, ये हो गया विल ही गो टू स्कूल, थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, चलता है ठीक है ना। क्या वहां विद्यालय जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, तो कुछ नहीं करना है, विल को फ्रंट में लाना, ही को यहां लाना, बगल में स्मॉल में करना है, नॉट पर। जो सेंटेंस होगा हिंदी का वैसे ही मदर टंग हमारी हिंदी है, उसके अकॉर्डिंग चलाना है। अब देखें क्या वहां विद्यालय जाएगा, तो विल ही गो टू स्कूल और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आपने दोस्तों देखा, हमने देखा इसको और बहुत सारे हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक कुछ इसके और सेंटेंस बना दूंगा, आई से बना दूंगा, बी से बना दूंगा, यू से बना के डाल दूंगा, आप देखते रहेंगे। तो ये देखेंगे पार्ट वन, ये पार्ट वन है, अब इसी का पार्ट टू भी आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखते रहना और इसे ध्यान से देखो, पूरा देखें और बहुत अच्छे से मैंने देखा। इंग्लिश का वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, मेरे वीडियो को के साथ भरे रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।